जरा सर्टिफिकेट दिखाइए। शर्मा जी, सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैं अभी लाता हूँ। बड़े नसीब वाले हो जो माणिक जी आपको मिल गए, बिल्कुल साधु आदमी है। पर ना आज के जमाने में इस कंक्रीट शहर मुंबई में कौन किसके लिए सोचता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे लिए तो चाचा जी बिल्कुल भगवान समान है। अरे बेटा, ये तो शुरू से ही ऐसे है। ये रहे सर्टिफिकेट। बताइए, आप ग्रेजुएट हैं फिर भी। खैर, देखिए मिश्रा जी, हम आपकी सरकारी नौकरी के लिए पूरी कोशिश करेंगे, वरना आप तो जानते हैं कि आजकल सरकारी नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा वक्त तो जाएगा ही। मेरी राय में फिलहाल आप किसी प्राइवेट फर्म में काम शुरू कर दीजिए, भगवान ने चाहा तो महीने दो महीने में कोई ठोस इंतज़ाम भी हो जाएगा। क्यों, आप क्या कहते हैं माणिक जी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शर्मा जी, फिलहाल किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग जाए तो अच्छा रहेगा, काम करेगा तो मन लगा रहेगा इसका, और फिर बड़ा काम दिलवाने के लिए आप तो हैं ही। वैसे शर्मा जी, न जाने क्यों सुनील में मुझे मेरा छोटा भाई महेश दिखाई देता है, जो भी इस दुनिया में नहीं रहा। यही लगता रहता है कि सुनील के रूप में महेश फिर से हमारे बीच आ गया हो। इसलिए जब आप सुनील के लिए कोशिश करें तो यही समझ के कीजिए कि आप महेश के लिए कर रहे हैं। देखिए देखिए माणिक जी, आप भावुक मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सुनील को महेश की मौत नहीं मरने देंगे। धन्यवाद। अच्छा मैं चलता हूँ, कल तो नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा काम है, फिर इसकी नौकरी के लिए भी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। परसों आऊँगा। और हाँ, वो जो सर्टिफिकेट है उसे जेरोक्स करवा लीजिए तब तक। जी अच्छा मैं चलता हूँ। भाभी जी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रही? वो मंदिर गई हैं इसकी नौकरी के लिए मन्नत मांगने, बस आती होगी। लो आ गई। नमस्कार भाभी। नमस्ते, आप कब आए भाई साहब? भाभी जी एक घंटे से बैठा हूँ, आप नहीं थी इसलिए माणिक जी ने चाय तक के लिए नहीं पूछा। मैं मंदिर चली गई थी, बस अभी आपको गरम गरम चाय पिलाती हूँ। नहीं भाभी जी, अभी देर हो रही, अभी मुझे जाने दीजिए। अच्छा प्रसाद तो लीजिए। माणिक जी, आप दोनों पति पत्नी का सेवा भाव देखकर मैं तो अचरज में पड़ जाता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। ये सर्टिफिकेट साहब जी। मैं शर्मा जी को छोड़ के आता हूँ। अरे बेटा प्रसाद खा।